गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का प्रश्न नंबर 1 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ए बी रेखा पर साधारण रीति से, साधारण रीति का मतलब होता है ढंग, साधारण ढंग से एक ही आकृति में, ये जो ये एक आकृति है इसी में समपंचभुज, समपंचभुज मतलब ऐसी पंचभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, षटभुज सप्तभुज बनाओ। मतलब ये देखें, पहले आप अंदर वाली जो आकृति है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पंचभुज हुई, फिर उससे बाहर वाली 1 2 3 4 5 और ये 6, ये षटभुज हो गई, और सबसे बाहर वाली 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तभुज हो गई। ठीक है, आइए इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले ए बी रेखा लेंगे, अब इस रेखा का आप समद्विभाजन कर लेंगे। समद्विभाजन आपको पता है कैसे करते हैं, बिंदु बी पर प्रकार रखी और अपने आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर ये चाप लगाएं। ठीक है, अब ये चाप लगाई, जितनी ये प्रकार खोली थी उतनी ही प्रकार खुली रखेंगे और ए को केंद्र मानेंगे और इस लगाई गई चाप को काट देंगे। ठीक है, जहाँ ये दोनों चापें कट रही हैं ऊपर और नीचे, उनको मिलाते हुए आप स्केल की सहायता से एक बिल्कुल सीधी रेखा बिंदुदार लगा लेंगे। ठीक है, ये समद्विभाजन रेखा हो गई, इसको यहाँ जे नाम देते हैं, जे। अब इतना कर लेने के बाद बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये जो बिंदु बी है इस पर प्रकार रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबको 90 डिग्री का कोण बनाना आता है। इस तरह से 90 डिग्री का लंब भी ऊपर को उठा लेंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद बी को केंद्र मानेंगे, बी को केंद्र मानेंगे मतलब प्रकार यहाँ रखेंगे और ए तक खोलेंगे, और ए तक खोलने के बाद इस तरह से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दिया आपने चाप, और ये चाप जब इस लंब को यहाँ काटती है उसका नाम है सी, सी नहीं इसका नाम के है, सॉरी यह है के। अब क्या करेंगे, के और ए को आपस में मिलाएंगे, ये सारा काम बिंदुदार ही हो रहा है क्योंकि हम अभी रचना का काम कर रहे हैं, प्रश्न को बना रहे हैं, बनाना मतलब रचना। ठीक है, अब आप देखें ये जो ये चाप थी ये, और ये जो इस चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है, इसने क्या किया, ये जो हमारी समद्विभाजन वाली रेखा थी ऊपर को गई है, इसको दो बिंदुओं पर काटा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, देख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों बिंदुओं को आप 4 और 5 नंबर देंगे। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 4, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ 5। अब क्या करेंगे, 4 और 5 को केंद्र मानकर प्रकार खोलेंगे, 4 पर प्रकार रखो पहले और आधी से ज़्यादा खोलकर ये चाप, और दूसरी तरफ को भी ऐसे ही चाप। ठीक है, ये होगी, अब उतनी ही प्रकार खुली रखेंगे जैसे समद्विभाजन करते हैं। ठीक है, 4 पर रखी, फिर ये चाप लगाई और ये चाप लगाई। ठीक है, उतनी ही प्रकार खुली रखो, उसको बड़ी छोटी नहीं करना है, और उसको
पांच को किंदर मानो और इस लगाई गई चाप को आप काट दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो एक बिंदु ये और एक ये लगे, इनको आपस में मिला दो। ठीक है, ये समद्विभाजन था किसका, चार और पांच का। पांच का नहीं, ये है इसको छः देना है आपने नंबर। ठीक है, ये चार और ये छः, तो बीच में ये जो पॉइंट आया इसका नाम है पांच। ठीक है, ये देखो आप, चार नंबर ये है, पांच नंबर ये है और छः नंबर ये है। अब हमें कौन कौन सी बहुभुज बनानी है, पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज। तो पंचभुज जब बनाएंगे तो पांच पर प्रकार रखेंगे, षटभुज जब बनाएंगे तो छः पर बनाएंगे रखेंगे प्रकार, और सप्तभुज जब बनानी होगी तो हमें सात पर रखनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों भाग बराबर हैं, चार से पाँच और पाँच से छः, तो किसी एक भाग के बराबर प्रकार खोलिए, जैसे पाँच से छः के बराबर प्रकार खोली और इतनी प्रकार खोली और ऊपर को निशान लगाया, इसको नंबर सात बोल देंगे। ठीक है, अब पांच पर प्रकार रखें, पांच को केंद्र माने और ए तक प्रकार खोलें। और इस तरह एक वृत्त लगाएं। ठीक है, पांच को केंद्र माना था। अब जितना हमने, अब ए बी के बराबर प्रकार खोलें और ए को केंद्र मानकर पहली चाप काटें, ए बी के बराबर। ठीक है, इतने प्रकार खोलें और ए पर रखकर पहली चाप और यहाँ रखकर दूसरी, दूसरी आपकी यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, और इतने ही प्रकार को ले रखेंगे और इसको केंद्र मानेंगे और अगली चाप लगा देंगे। ठीक है, ये चापें हो गई ए बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इनको आप मिला देंगे आपस में। ठीक है, इस वीडियो में आप इतना ही कीजिए, पंचभुज तक बनाइए और उसके बाद हम कल करेंगे। थैंक यू।